हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने टॉप गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ जो कि इंडियन एयरफोर्स में निकली है। तो मैं आपको इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक का बटन भी ज़रूर क्लिक करें। मुझे शिकायत है कि आप लाइक का बटन क्लिक नहीं करते। तो अभी हम इस जॉब के तरफ बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट है, इसमें टोटल पोस्ट 256 निकली हैं कैट में। ओके, तो इसमें एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल एंट्री है और मेट्रोलॉजी एंट्री भी है। ओके, तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट पीजी बीई बीटेक मांगी गई है और इसमें एज लिमिट बिटवीन 20 to 26 ईयर्स होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। ओके, तो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है जो भी इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो जो अप्लाई करने की डेट है वो 15 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं और जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई 2020 है। अभी आपके पास काफ़ी डेज हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लें। और इसकी अप्लाई करने की फ़ीस है ₹250 फॉर एफकैट एंट्री एंड नो फीस फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री। ओके, जिन्होंने एनसीसी स्पेशल एंट्री है और जिन्होंने मतलब कि एनसीसी रखी थी उनके लिए कोई भी फीस नहीं है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए ₹250 फीस है। तो उसमें सैलरी आपको अच्छी तरह देखने को मिल रही है कि 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। ओके, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है, ज़रूर इस फॉर्म को भरें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।